हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटीज यूट्यूब चैनल। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लॉ इन द कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज का चौथा लेक्चर। ये लेक्चर किस बारे में होगा सर? तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने ये वीडियो पहली बार क्लिक किया है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं या आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो हमारी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने इन ब्रीफ डिस्कस कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, स्कोप, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, ये सब की सब चीजें ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। अब हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेपरेशन ऑफ पावर का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर में आता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपना कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले डिकोड करते हैं उसकी टर्मिनोलॉजी को, यानी कि वो टर्म क्या कह रहा है। टर्म को अगर ब्रेक डाउन करें तो यहां पे लिखा हुआ है सेपरेशन और यहां लिखा हुआ है पावर। सेपरेशन का मतलब ये हो गया किसी चीज को अलग करना और पावर का मतलब हो गया किसी शक्ति को। अब इसको एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी अभी एक रीसेंट टाइम की चीज है, यानी कि आजकल हाल फिलहाल कुछ बीते 100-200 सालों में डेमोक्रेसी देखने को मिली। इससे पहले होता था मोनार्क। मोनार्क में क्या होता था? एक पर्सन होता था जिसको हम कह लेते थे किंग। वो पर्सन क्या करता था? लॉ बनाता था। वही पर्सन लॉ को इंप्लीमेंट करता था और वही पर्सन उस लॉ के टूटने पे पनिश करता था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? किसी भी सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लॉ। यानी कि अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है किसी सोसाइटी में, तो वो रहने लायक जगह है, वो एक डेमोक्रेसी है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी चीजें फेयरनेस के साथ हो रही हैं। कुछ रूल्स बने हुए हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे आप तो आप सोसाइटी में सही से रह सकते हैं, और अगर वो रूल्स अच्छे हैं, सही हैं, तो वो डेमोक्रेसी अच्छी मानी जाएगी। तो यानी कि सबसे सुप्रीम होता है लॉ, लेकिन इस लॉ से डिवाइड होती है बहुत सारी पावर्स। इसका मतलब अगर ये लॉ है तो किसी ने उसको बनाया होगा, यानी कि एक हो गया मेकर, एक हो गया उसको इंप्लीमेंट करने वाला, यानी कि अगर किसी ने लॉ को बना दिया तो उसको इंप्लीमेंट भी तो कोई करेगा ना, और एक हो गया कि अगर इस लॉ को टूटने पे कोई पनिश करे तो वो पनिशर हो गया, यानी कि अगर वो लॉ टूटा, किसी ने उस लॉ को फॉलो नहीं किया, तो उसके लिए पनिश कौन करेगा? उसके लिए एक अलग अथॉरिटी। सेपरेशन ऑफ पावर इसी की बात करता है। राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था? राजा ही कानून बनाते थे, वही उसको इंप्लीमेंट करते थे, और उसके टूटने पे सजा भी वही देते थे। और ये गलत चीज है डेमोक्रेसी के हिसाब से। इसको ये क्यों गलत है, इसमें क्या आगे वैल्यूज है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आप इतना समझ लीजिए सेपरेशन ऑफ पावर केवल इसी के बारे में बात करता है कि लॉ को बनाने वाली बॉडी अलग, लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी अलग, और लॉ को पनिश करने वाली बॉडी अलग, यानी लॉ के टूटने पे जो बॉडी पनिश करेगी वो अलग हो जाएगी। अब ये कौन-कौन सी बॉडीज होती हैं, वो कैसे-कैसे काम करती हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में आगे समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि एक ने बॉडी ने लॉ बनाया, एक ने लॉ को इंप्लीमेंट किया, और एक ने क्या किया? पनिश किया। आइडियली अगर आप डेमोक्रेसी में देखेंगे, और स्पेशली अगर आप इंडियन डेमोक्रेसी में देखेंगे, तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स हैं, जो आई थिंक एंड आई होप आप सबको ऑलरेडी पता है। कौन कौन से हैं वो सर? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब एक बार जरा देखते हैं, सबसे पहले कौन आया? लेजिस्लेचर। ये यहां पे लिखा हुआ है। लेजिस्लेचर कौन है? लॉ बनाने वाला, यानी कि ये हो गया मेकर, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है सर। एग्जीक्यूटिव कौन है? लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला। इनका काम क्या है? जो एग्जीक्यूटिव ने, जो लेजिस्लेचर ने आपको बना के दिया लॉ, उसको आप इंप्लीमेंट करिए, ठीक है। और उसके बाद आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी इस बारे में बात करता है कि अगर कोई लॉ बना और उसको वायोलेशन हुआ तो वो उसको पनिश करेगा, और साथ ही साथ जो लॉ बना है और एग्जीक्यूटिव ने जिसको इंप्लीमेंट किया है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, वो लॉ सही है कि नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन सही है कि नहीं, वो जुडिशरी का काम है। सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली इसी के बारे में बात करता है। वो ये जो प्रिंसिपल है वो इस बारे में बात करता है कि ये जो पावर्स है इन तीनों की, वो हमेशा अलग होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इन तीनों को अपने अपने डोमेन पे फ्रीली काम करने का अधिकार होना चाहिए, और इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को अच्छी तरह से डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या इंट्रोडक्शन में समझा कि थ्री ब्रांचेस हैं, और वो थ्री ब्रांचेस है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर ऊपर क्यों लिखा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है, ठीक है सर। अब हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी को आराम से जरा समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेजिस्लेचर कौन है? जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है सर, लेजिस्लेचर वो है जो लॉ बनाता है। यहां पे लिखा हुआ है द चीफ फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू इनैक्ट लॉ। इनैक्ट लॉ मतलब कि लॉ को लागू करना, कानून को मोशन में लाना, सोसाइटी में प्रिवेल करवाना। अब ये देखिए, इट इज द बेसिस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये लाइन ये कह रही है कि जो लेजिस्लेचर है ना, वही बेसिस है बाकी की दो बॉडीज के फंक्शन के लिए। कैसे सर? अगर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया ही नहीं, मान लेते हैं पार्लियामेंट में कानून बनता है और पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया ही नहीं, तो एग्जीक्यूटिव कौन से कानून को इंप्लीमेंट करेगा? और अगर कानून बना ही नहीं और वो इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो जुडिशरी कौन से कानून को
चेक करेगी कि वो सही है कि नहीं। इसलिए हमने यहां पे क्या समझा, लेजिस्लेचर हमने इसलिए ऊपर रखा था कि यहां पे कानून बना। अब इसको एग्जांपल से समझिए, पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया और वो कानून आया किसके पास, एग्जीक्यूटिव के सबसे डाउन बॉडीज पे अगर बात करें तो कलेक्टर होते हैं, कि कलेक्टर साहब के पास आया कि ये कानून अभी पार्लियामेंट से बना है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कानून बनके इंप्लाई हो जाए। अब लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया नहीं तो कलेक्टर साहब ने इंप्लाई नहीं किया। अब मान लीजिए कानून अगर बना होता, कलेक्टर साहब ने उसको अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लाई करवाया होता और फिर उसको कोई तोड़ता, तो वो उसको कहां लेके जाते, मजिस्ट्रेट साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब कौन है, जुडिशरी है। लेकिन कानून बना नहीं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सॉरी एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले जो थे वो उसको डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो कोई तोड़ नहीं पाया, कोई तोड़ नहीं पाया तो जुडिशरी के पास मैटर गया ही नहीं। इसीलिए लेजिस्लेचर को ऊपर माना जाता है, पावर में ये ऊपर नहीं है, उस चार्ट में ये ऊपर आता है कि ये कानून बनाएगा तो बाकी के दो फंक्शन करेंगे। ठीक है सर। इट इज ऑल्सो समटाइम अकॉर्डेड द फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स। ये मैं आपको बता रहा था कि इसको हमेशा तीनों ऑर्गन में पहला रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ऐसा है कि इसी से शुरुआत है ये, अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रीम गंगा है तो लेजिस्लेचर गंगोत्री है। गंगा का पानी एक जैसा ही रहता है, गंगोत्री में बस गंगा का उद्गम है और ये उद्गम जो हो रहा है लॉस का वो लेजिस्लेचर से हो रहा है, इसलिए लेजिस्लेचर को हम समझेंगे गंगोत्री से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला जो पार्ट देखेंगे वो है एग्जीक्यूटिव का। जुडिशरी आखिरी में आएगा, एग्जीक्यूटिव क्यों, क्योंकि लॉ बनने के बाद सबसे पहला काम क्या है, उसको इंप्लीमेंट करना। अब ये क्या कह रहा है, ये इंप्लीमेंट्स है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये एक ऐसा ऑर्गन है डेमोक्रेसी का जो कि लॉ को इंप्लीमेंटेशन पे काम करता है और क्या कराता है, लेजिस्लेचर ने जो दिया है लॉ बना के उसको इन्फोर्स करवाता है अपने स्टेट में या जो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में होता है वहां पे। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट कौन है, जिसको हम इलेक्ट करके डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिश करते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हम पढ़ क्या रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इंप्लाई करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को इंप्लाई करवाना। तो ये जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, एक तरह से समझिए कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और बोला प्रेसिडेंट को जाके कि सर हमने कानून बना के तैयार कर लिया, नया कानून जो कि बात करता है ट्रैफिक रूल्स के बारे में। अब हमने तो बना लिया है सारे, हमने चेक्स एंड बैलेंसेस कर लिए हैं और हमने सारे प्रोसीजर को फॉलो कर लिया, अब आप अपना काम करिए और इसको पूरे देश में लागू कर दीजिए। तो एग्जीक्यूटिव कौन हुआ, प्रेसिडेंट, वो साइन करेंगे और वो पूरे देश पे लागू हो जाएगा क्योंकि वो अथॉरिटी है उसको लागू करने के लिए। ठीक है सर, और क्या कह रहा है, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट गवर्नर्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी क्या है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब यहां पे एक आपके मन में डाउट आना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो पार्लियामेंट का भी पार्ट है, तो वो कैसे हमारे पार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव का, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसा है कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर अपनी एग्जीक्यूटिव ड्यूटी को निभा रहा है तो वो क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिव में रहेगा, और जैसे ही वो पार्लियामेंट में जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब वो मोशन को पास करने में उस ग्रुप ऑफ पीपल में इन्वॉल्व रहेगा तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। और अब बात आती है जुडिशरी की। जुडिशरी कौन है, इंटरप्रेट्स द लॉ। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बताता हूं, क्लासरूम में मैं उनसे पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनली काम क्या था। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल केसेस को सुनना या अपील सुनना नहीं था। आइडियली जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करना, और जुडिशरी का भी आइडियल काम यही है कि वो लॉ को इंटरप्रेट करेगी कि वो सही है कि नहीं, उसके इंप्लीकेशंस क्या होने चाहिए, वो किस तरह से हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट डालेगा और किस तरह से प्रेजेंट टाइम में उसको सोसाइटी पे इफेक्ट डालना है। उसके साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि जिस तरह से लॉ इंप्लीमेंट हुआ वो सही था कि नहीं, लॉ में अगर कोई त्रुटि है या लॉ में अगर कोई दिक्कत है तो वो उसको उस पॉइंट पे कैंसिल कर सकता है। ठीक है, द जुडिशरी इज कंसिडर्ड द वॉचडॉग और द गार्डियन। वॉचडॉग और गार्डियन क्यों, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं या ऐसा कोई कानून बना है जो आर्बिट्ररी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता है, या जो आइडियली लॉ होना चाहिए वो वैसा नहीं है, तो वो जुडिशरी ही ऐसी बॉडी है जो उस कानून को क्या बोलेगी कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट के पास दो बार अगर बिल पहुंच गया तो उनको साइन करने पे मजबूर है, लेकिन जुडिशरी के पास ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि उनको मजबूरी है कि उनको किसी लॉ को अलाउ करना होगा। अगर उन्होंने कोई उनके पास कोई लॉ का क्वेश्चन गया और उनको लगा कि ये गलत है तो वो उसको कितनी भी बार कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, जुडिशरी में कौन होता है, जुडिशरी की बॉडी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और जो अदर लोअर कोर्ट्स हैं वो। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर में अलग अलग बॉडीज हैं कौन सी। लेजिस्लेचर कौन हो गया, पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे कौन हो गया, जो विधानसभा होती है वो, और भी होती है लेकिन मेन हम यहीं से समझेंगे, विधानसभा और पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव को हम पढ़ चुके थे, कौन, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये लोग हो गए। और जुडिशरी में तो हमें पता है सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी जो बाकी के कोर्ट्स आते हैं उनके डाउनलाइन में,
वो हो गए। अब हम जरा कॉन्सेप्ट को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की, कि सेपरेशन ऑफ पावर असल में क्या है एज अ कॉन्सेप्ट। और इसको समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मोशन में आया कैसे, यानी कि ये पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया और अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तीन नाम आपको याद रखने हैं, बस मैं इतना बता दूं एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं आपको केवल तीन नाम याद रखने हैं और ये पूरी स्लाइड खत्म हो जाएगी और हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव पूरा का पूरा खत्म सेपरेशन ऑफ पावर का। तीन नाम कौन से हैं? एरिस्टोटल। दूसरा नाम कौन सा है? मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉकी। अब ये तीन नाम हमसे नए नहीं है, हमसे दबे हुए छुपे हुए नहीं है, ज्यूरिसप्रूडेंस में हमने इन तीन नामों को पढ़ा है। अगर आप जूनियर लॉ स्टूडेंट है, आपने अभी तक ज्यूरिसप्रूडेंस नहीं पढ़ा है तो आपको आगे पढ़ने मिल जाएगा। तो ये नाम आपको अगर अभी से पता चल जाए तो अच्छी बात है, ज्यूरिसप्रूडेंस में जब सब बच्चों का दिमाग खराब होता है तो आपको लगेगा अरे जाना पहचाना सा नाम है। ठीक है, अब क्या है ये पहली बार जो ये कॉन्सेप्ट है ना सेपरेशन ऑफ पावर का, वो एरिस्टोटल लेके आए थे। कब लेके आए थे? 4th century BCE, बहुत 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 पहले, बहुत ही ज्यादा पहले, जब हम और आप मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसे समय के पहले इन्होंने क्या किया, 4th century BCE में लेके आए। अब आप जरा सोच के देखिए इस बात की इंटेंसिटी कि कोई इंसान जब मोनार्क चल रहा हो, राजा महाराजाओं के समय में ये बोले कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पावर जो है जुडिशरी के लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए, यानी कि कानून की सजा कौन देगा वो आप नहीं देंगे, कोई एक अलग बॉडी देगी, कानून बना भले ही आप रहे हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी अलग बॉडी होगी, इस तरह की बात करना उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये पहली बार एरिस्टोटल साहब ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का शब्द नहीं दे दिया था, उन्होंने बोला एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की एजेंसीज क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करी। और उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, जनरल असेंबली जो कि हो गया पहला, पब्लिक ऑफिशियल्स जो कि हो गया दूसरा, और जुडिशरी जो कि हो गया तीसरा। अब आप अभी किसे मैच करें सेपरेशन ऑफ पावर से, तो जुडिशरी मतलब जुडिशरी हमें पता है, ऑफिशियल जो है पब्लिक ऑफिशियल्स वो एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि वो अधिकारी जो लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में आ गया। और जनरल असेंबली का मतलब था उनसे पार्लियामेंट से, जो आजकल हमारी पार्लियामेंट चल रही है, जैसे यूएन में हम देखते हैं जनरल असेंबली होती है, तो उसी तरह से। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया। ठीक है सर, मॉडर्न टाइम्स यानी कि आजकल के समय में, आजकल के समय में 18 सेंचुरी में आता है फ्रेंच फिलोसोफर का नाम मॉन्टेस्क्यू, जो कि ज्यूरिसप्रूडेंस में बहुत ही पॉपुलर है। मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, एक हाईली सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका बनाया इन्हीं से इवॉल्व होकर, यानी कि इन्होंने इनका एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट देखा पढ़ा और उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का शब्द दिया और उसको बहुत ही मॉडर्नाइज किया, प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट किया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए और उन्होंने पहली बार इसका आइडिया दिया। और कैसे दिया, उनकी जो बुक थी, ये आपको शायद ना पता हो, उनकी जो बुक थी, या आप वहां पढ़ेंगे जब आप ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ेंगे, दी स्पिरिट डेस लॉयस, यानी कि जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहते हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यूरिसप्रूडेंस का, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए ज्यूरिसप्रूडेंस के क्वेश्चंस में, ये द स्पिरिट ऑफ लॉज आपके दिमाग में बैठी हुई बात हो जाएगी, इतना ज्यादा पूछा जाता है। ये किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू साहब ने लिखी थी और स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने पहली बार इसको डिस्कस किया था। ये दो फिलोसोफर के बारे में आपको पता चल गया, दो ज्यूरिस्ट के बारे में, और उसके बाद इस आइडिया को यानी सेपरेशन ऑफ पावर को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करी थी जॉन लॉकी ने, जिसके बारे में आप आगे पढ़ लेंगे। जॉन लॉकी, यानी कि तीन नाम आपको याद रखने हैं, एरिस्टोटल, मॉन्टेस्क्यू और जॉन लॉकी, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की हिस्ट्री में हेल्प करते हैं। ठीक है सर, अब जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो कि है क्या, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और कुछ भी डिकोड नहीं कर रहे हैं यहां पे, सेपरेशन ऑफ पावर को जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, अब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए, यानी कि किसी एक सिंगल पर्सन के द्वारा अब्यूज ऑफ पावर ना हो, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे कंट्री में सिस्टम ऐसा होता कि हम किसी सरकार को इलेक्ट करते, वो सरकार बन जाती और उसके बाद उसी सरकार के ऊपर होता कि वो लॉ बनाती अपने मन से, उस लॉ को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करती और उस लॉ के टूटने पर सजा भी वो अपने हिसाब से देती, तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस सरकार के जो एलाइज हैं उन लोगों को सजा नहीं मिलती, उन लोगों के लिए इंप्लीमेंटेशन भी इतना हार्ड नहीं होता और उन लोगों के लिए हो सकता है कानून भी नहीं बनता और वो एक्सेप्ट बन जाता कि जो बाकी लोग हैं। मान लीजिए कि अगर एक डिक्टेटरशिप टाइप का एक इंसान अगर हमारी सरकार में इलेक्ट हो जाता, वो क्या कहता, जिन्होंने भी मुझे वोट नहीं दिया है वो क्या करेंगे, आज से उनके लिए एक नया कानून कि वो दिन में 24 में से 20 घंटा काम करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये डिक्टेटरशिप हो गई, ये अब्यूज ऑफ पावर है। अभी ये बात बहुत ज्यादा वेग साउंड कर रही है लेकिन ऐसी चीजें रियल में हो सकती हैं और इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कौन है इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, कौन, किम जोंग उन। मेकिंग अथॉरिटी कौन,
किम जोंग उन और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक अथॉरिटी जो आपकी जुडिशरी की अथॉरिटी कौन, अल्टीमेट अथॉरिटी जुडिशरी में कौन, किम जोंग उन, वो जो चाहे सजा दे सकते हैं। हमारी कंट्री में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी बड़ा क्राइम कर लीजिए, भले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी कितने भी एपेक्स लेवल पे हो, लेकिन वो चाहे तो भी क्या कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते किसी को। अल्टीमेटली जाना सजा के लिए कोर्ट के पास ही पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन के लिए जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट गवर्नर के पास ही, और लॉ बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा पार्लियामेंट के पास ही। यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई वो चाहे तो भी कोई लॉ बना नहीं सकती, वो चाहे तो लॉ इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकती, और चाहे तो वो क्या कर सकती है, बिना जुडिशरी के हेल्प के वो कोई सजा दिलवा भी नहीं सकती। ठीक है, ईच, अब ये तीन एसेंशियल्स टाइप है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट पर्सन, ये क्या कह रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं, आपने बोला कि ठीक है भाई हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में सेपरेशन कर दिया, तीनों अलग अलग बॉडी बना दी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उन्हीं को चीफ जस्टिस के साथ साथ इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया, अब ये क्या चलेगी बात, नहीं चलेगी, या लोकसभा का चेयरमैन बना दिया। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे पहला एसेंशियल है कि आपने अगर सेपरेट किया भी है बॉडीज को तो क्या होगा, तीनों के अंदर रहने वाले लोग अलग अलग होंगे, ये सेम लोग नहीं हो सकते और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द अदर ऑर्गन। अब अगर जुडिशरी बोले कि भाई किसी दिन सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस उठ के पार्लियामेंट में आ जाएं और आके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्लास लगा दे कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करेंगे, ये लॉ ऐसे नहीं ऐसे करेगा, वरना हम आके आपको क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि पहला तो उस ऑर्गन में काम करने वाले सारे लोग अलग अलग होने चाहिए, सेकेंड ये है कि उस ऑर्गन का कोई इंटरफेरेंस दूसरे ऑर्गन के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हाल में दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरफेयर नहीं करे, और वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन। ये क्या है, ये नॉट इंटरफेयर है, नॉट एक्सरसाइज है, मतलब उसमें आके अपनी टांग नहीं अड़ानी है, और दूसरी बात उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं करना है कि सडनली एक दिन संडे को पार्लियामेंट ने बोला कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट बंद थी इसीलिए आज के जो केसेस हैं हम सुन लेते हैं, हम जजमेंट दे देते हैं, नहीं, इंटरफेयर नहीं कर सकते। या सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि मैं एक लॉ बना रही हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने किसी केस में एक बिल को प्रपोज किया, उस बिल को पास भी कर दिया और सीधे प्रेसिडेंट के पास भेजा कि आप इसको साइन कर दीजिए, ये चीज गलत हो जाएगी, और हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीजें एब्सोल्यूट है, नहीं, कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिकोड हो चुका है, अब उसके इंपॉर्टेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को पढ़ सकते हैं। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का शब्द का मतलब क्या है, यानी कि किसी एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है उसके खुद के डिस्क्रिप्शन की। सेफगार्ड इंडिविजुअल लिबर्टी, हम और आप जो इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अगर हमारे ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं इन बॉडीज में, वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे पावर को, सेपरेशन ऑफ पावर को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे राइट्स वायलेट होंगे, और ये सारी जद्दोजहद हो क्यों रही है, इसीलिए हो रही है ताकि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो उनको मिलती रहे। ठीक है, हेल्प्स क्रिएट एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, सब अपना अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, अल्टीमेटली सही चलेगी, सही तरीके से चलेगा, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे अलग से जुडिशरी क्यों लिखा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक का काम लॉ बनाना है, एक का काम लॉ इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ज्यादा मुश्किल काम किसका है, जुडिशरी का, क्योंकि उसको लॉ को केवल लॉ के टूटने पर उसको पनिश भी करना है, लॉ सही है कि नहीं वो भी देखना है, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई मालफंक्शन है तो उसको भी पॉइंट आउट किसको करना है, जुडिशरी को करना है, और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू को जब हम पढ़ेंगे तब, जो कि अपकमिंग लेक्चर्स में से एक टॉपिक है। Prevents the legislature from enacting arbitrary and unconstitutional law. ये सबसे important part है कि जो legislature है, अगर separation of power ना हो तो जो भी इंसान power में बैठा है या legislature में बैठा है, जिसके पास majority है, वो इतने arbitrary और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को पास कर देगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। किम जोंग उन की सरकार में जिस तरह है ना कि मेरे जैसे बाल हैं वैसे ही बाल कटेंगे, अगर घर में आग लगी हो तो आपको पहले उनकी फोटो लेके भागना है, भले ही आपके घर में बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, किम जोंग उन और उनके फादर की फोटो पहले बचनी चाहिए, इसी तरह के लॉ हो सकता है हमारी कंट्री में भी आ जाए अगर सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से ना हो। ऑल्दो ये मजाक की बात है, हमारी कंट्री में शायद ही कभी ऐसी नौबत आए, हमारी कंट्री इस मामले में बहुत सेंसिबल और बहुत लकी है कि वी आर ब्लेस्ड विद गुड लीडर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब भाई हमने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ तो लिया, लेकिन हमारे आंसर में सर अभी भी हमें 10 में 10 नहीं मिलेंगे, और भी चीजें बताइए, क्योंकि हमारे लॉ के टीचर डिमांड करते हैं कि लॉ के प्रोविजंस होने चाहिए, तो लॉ के प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल 50 पुट्स एन ऑब्लिगेशन ओवर द स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट बीइंग द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री इज एम्पावर्ड टू एग्जीक्यूट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर प्रोमुलेट ऑर्डिनेंसेज इन सर्टेन कंडीशंस। अब ये क्या कर रहा है, ये
सेपरेशन ऑफ पावर तो है कि वो बता रहा है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग है, लेकिन एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है जब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है माइन्यूट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, आर्टिकल 121 एंड 211 दीस प्रोवाइड दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे कैन डू सो ओनली इन द केस ऑफ इंपीचमेंट। इंपीचमेंट का मतलब होता है जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी हाई कोर्ट के जज को हटाने की कोशिश करी जाए, उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाए, तो उसी समय क्या कर सकते हैं, किसी जज के कंडक्ट को कौन लेजिस्लेचर डिस्कस कर सकता है पार्लियामेंट में। यानी कि पार्लियामेंट में आप किसी जज के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस क्या है, उसका इंपीचमेंट हो रहा है। ये बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर को, वरना जज ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया या कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया कोई अगेंस्ट की बात करी तो आपने पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट कुछ बोलना शुरू कर दिया, ये गलत बातें हैं। और आर्टिकल 361 जो कि बात करता है द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंजॉय द इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग, ये क्या कर रहा है, ये सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन हमने रूल ऑफ लॉ में एक्सेप्शन पढ़ा था कि कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया जाता है, आप उसके इक्वालिटी बिफोर लॉ में इस चीज के एक्सेप्शन की डिमांड नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कहां पे, हमारे सेपरेशन ऑफ पावर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर में होना चाहिए। अब आप इस बात को भी समझिए कि अगर तीनों बॉडी को आपने इंडिविजुअली अलग अलग कर दिया तो हो सकता है तीनों बॉडी अपने अपने लेवल पे मनमानियां करने लग जाएं। हमारी एक नेबरिंग कंट्री में ऐसा देखा जाता है कि वहां की आर्मी अपनी मनमानी कर रही है, इंटेलिजेंस अपनी मनमानी कर रही है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, पता किसी को नहीं है कि कंट्री कौन चला रहा है, सब अपना अपना अपने अपने मन से कर रहे हैं, अपना अपना भला देख रहे हैं और सारी की चीजें होती जा रही हैं। इसलिए चेक्स एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि दोनों या तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस बना के रखें। देखते हैं द जुडिशियरी हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब इसको हम अगले एक लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी के लिए बताऊं तो जुडिशियरी क्या कर सकती है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या लेजिस्लेचर का जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, वो रिव्यू करके देख सकती है कि ये सही है कि नहीं। द जुडिशरी हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्ररी कोई लॉ है तो जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है, नलीफाई कर सकती है। इट कैन ऑल्सो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शन, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन है तो भी क्या कर सकती है जुडिशरी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है या आर्बिट्ररी डिक्लेयर कर सकती है अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन सही नहीं है तो। एग्जाम्पल से समझते हो, कोई गवर्नर का ऑर्डर जो उसको गलत लगा उसको वो क्या कर देगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। कोई लॉ जो कि पार्लियामेंट ने बनाया और उसको लगा कि ये सही नहीं है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ठीक है, द लेजिस्लेचर ऑल्सो रिव्यूज द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को लेजिस्लेचर भी क्या करता है, एग्जामिन करता है, पार्लियामेंट चाहे तो उस पर अपने लॉज बना सकती है और उनको कैंसिल और नलीफाई कर सकती है। ऑल्दो द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, अब ये क्या है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट तो है लेकिन जजेस को अपॉइंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यहाँ पे भी एक बात है। ठीक है, द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो अल्टर द बेसिस ऑफ द जजमेंट वाइल अडहेयरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, यानी कि ऐसा मोस्टली तो नहीं होता है, यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट का ऑर्डर आया जो किसी लेजिस्लेचर के ऑर्डर को लेके था तो उसमें क्या करती हैं, जैसे हमें रिसेंटली देखा कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आया, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उन्होंने क्या कर दिया, उसका एक अमेंडमेंट लेके आ गए, एक नया बिल प्रपोज कर दिया और उस जजमेंट को ओवर पास करके उस नए वाले को इंप्लीमेंट कर दिया, अब आप जाइए दोबारा सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस तरह की चीजें भी देखी जाती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें किसमें आ रही हैं, चेक्स एंड बैलेंसेज में, यानी कि दोनों एक दूसरे पर थोड़ा बहुत चेक रख सकते हैं लेकिन इंटरफेयर और दोनों के फंक्शन को करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप किसके बीच का, रिलेशनशिप है जो ये तीन बॉडीज हमने पढ़ी सेपरेशन ऑफ पावर के तहत, उन तीनों की बॉडीज के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, जल्दी से देखते हैं। पहला लेजिस्लेचर और जुडिशरी का, पहला क्या है भाई, जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर सकती है किस चीज को, कोई भी ऐसा लॉ जो कि उसको लगे आर्बिट्ररी है जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, जुडिशरी को लगा कि वो आर्बिट्ररी है उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। जुडिशरी जो है वो हमेशा क्या करती है, स्ट्राइक डाउन करती है लॉस को, तो लेजिस्लेचर ने हमेशा से ये कोशिश करी है कि वो क्या करे, उसको ओवर पावर कर दे, उसको ओवरलुक करे, और उसके लिए कई बार ऐसी चीजें करी गई हैं। रिसेंट एग्जांपल क्या है, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अभी क्यों लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे पिछले बिल को क्या कर दिया था, उससे पिछला जो एक्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो इन्होंने बोला कि ठीक है हम आपके लिए नया बिल ले आते हैं, अब आप इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके दिखाइए। तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो हमेशा जुडिशरी को ओवरपावर करने की कोशिश करता है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच क्या रिलेशन है, दिस इंप्लाइज दैट पार्लियामेंट शुड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड इट एकोमोडेटेड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। पार्लियामेंट क्या करती है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने सही काम किया कि नहीं किया, उनको अपनी हर कार्रवाई का जवाब पार्लियामेंट में आके देना होता है, तो इसीलिए लेजिस्लेचर एक तरह से एग्जीक्यूटिव पे क्या कर रही है, कंट्रोल बना के चल रही है। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच क्या रिलेशन है, सबसे पहला तो आपको पता ही है जो जजेस के अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो इस केस में एग्जीक्यूटिव का एक कंट्रोल तो यहीं पे हो गया कि भाई एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कंट्रोल से ज्यादा
इसको कहेंगे रिलेशन। रिलेशन कैसे हो गया, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है जजेस का वो कौन कर रहा है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव कर रही है। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स आल्सो एंजॉय द पावर टू पार्डन। पार्डन की पावर क्या होती है, आपको पता होगा फांसी की सजा होती है तो प्रेसिडेंट के पास रिक्वेस्ट डालते हैं और बोलते हैं कि सर हमें छूट दी जाए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस फांसी की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब जुडिशरी ने जो सजा दी उस सजा को बदलने का, चेंज करने का, फॉर्मुलेट करने का, मॉड्यूलेट करने का पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है। ये एक रिलेशन है। और क्या है, अंडर द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैव द पावर टू हियर एंड डिसाइड केसेस। अब कुछ केसेस में आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास भी ये पावर होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कुछ केसेस को सुन सकते हैं। इसका बहुत ईजी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है एसडीएम का। अब एसडीएम साहब कौन है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को बिलोंग करते हैं, लोअर लेवल पे हैं, लेकिन हैं तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर, और उनके पास क्या है, एसडीएम साहब की अपनी कोर्ट भी होती है। इसका मतलब वो क्वाजी जुडिशियली क्या कर रहे हैं, जुडिशियल फंक्शंस को भी कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या समझ में आया कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में भी कोई ताल्लुक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी, और लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में भी आपस में कोई रिलेशन है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट नहीं है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, ताकि हमारी जो गवर्नेंस है, हमारी डेमोक्रेसी है, वो सही से चलती रहे। यहां पे हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहां पे वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिलेबस में कोई एक ऐसा मेजर पोर्शन है जो अभी भी मिस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सीरीज के और भी लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।